जो ख्वाज साहब का वंशज है, जिनके बाप दादा की दरगाह है, वो मजार है, उसको पार्टी नहीं मिला है। आप किस कैपेसिटी में चले गए वहां पर? गवर्नमेंट की कैपेसिटी में, तो गवर्नमेंट जवाब देगी, गवर्नमेंट का ये रिकॉर्ड है। गवर्नमेंट अपने लिखे से थूके को चाट नहीं सकती। जो उसने पोजीशन पहले क्लियर कर दी है इस स्थान को लेकर के, उसके अंदर आप क्या लिख के देगी भाई? मैं सारी बातों को लेकर के इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि द प्लेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्वेशन एक्ट को जो खिलौना बना दिया गया है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई उसके किसी भी सेक्शन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो केंद्र सरकार से मेरा निवेदन है कि वो इसको अमेंड करे, इसके अंदर ऐसे क्लोज लाए, ऐसे सेक्शन लाए कि जिससे इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस पैदा हो, और ये जो खेल खेला जा रहा है बांटने का, देश को जनता के अंदर भ्रम पैदा किया जा रहा है, वो खत्म हो, ताकि हमारा देश जो है वो उन्नति के रास्ते पर गामजन हो सके। हम क्या कर रहे हैं? हमारी इन्हें जितने पॉलिटिशियन अलग अलग उससे जो बयान दे रहे हैं, अलग अलग किसी के बयान में जो है कहीं पे भी कोई अपील नहीं है। वो उधर से जहर उगल रहा है, वो उधर से जहर उगल रहा है, वो उधर से जहर उगल रहा है, तीनों को क्या कर क्या रहे हो भाई? आप जब तक के एक जगह पर बैठ करके सारी बातों के ऊपर आपस में मिलकर के डिस्कशन नहीं करोगे, इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और न निकलने वाला। आप अभी क्या हुआ जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा? मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूं कि वो सोमोटो इसके अंदर एक्शन ले, सोमोटो एक्शन ले, और उस सेक्शन को जिसको ये कहते हैं साहब इसके अंदर जो है सर्वे का कोई वो नहीं है प्रोविजन, तो उस पोजीशन को क्लियर करें अपने जजमेंट्स के अंदर। और मैं अपील करूंगा कि देश के अंदर शांति अमन का माहौल, भाईचारे का माहौल बनाए रखें, और ऐसे कोई काम अपनी तरफ से नहीं करें जिसकी वजह से नई कंट्रोवर्सी पैदा हो।